माता वैष्णो देवी जी की सच्चाई आखिर क्या है, आइए जानते हैं। प्रतीक्षा क्या होती है? माता वैष्णो देवी जी से पूछिए, जो त्रेता युग से भगवान श्री हरि यानी कल्कि जी का त्रिकूट पर्वत पर प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। जम्मू के त्रिकूट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और इस गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है, लेकिन माता वैष्णो देवी की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी ये स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? आपको बता दें, इसका कारण ये है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, जो भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में एक कथा काफी प्रचलित है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब इन्हें ये पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पहुँचे, तो यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर डाली। भगवान राम ने देवी त्रिकुटा से ये कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत अनुनय विनय किया, तब श्री राम ने ये कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा, अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आ गए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने ये कहा कि देवी, त्रिकूट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, उस गुफा में तीनों महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा, तब मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामनाएं पूरी करिएगा। भगवान राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले सभी भक्तों के दुख दूर कर उनकी झोली भर रही हैं। तो बोलो माता वैष्णो देवी की जय।